अस्सलाम वालेकुम सईदा मदीहा, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है स्काई रियल्टर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड ऑफिशियल फेसबुक पेज की जानिब से। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुशबार अपनी फैमिलीज के साथ इंजॉय कर रहे होंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। आज की वीडियो मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बनाने जा रही हूँ। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत सारे मेरी क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स मुझसे पूछते रहते हैं, स्पेसिफिकली एंड यूज़र जो अपना घर बनाना चाहते हैं। वो ये पूछते हैं कि मैम अधिया, मुझे हमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताएं जिसकी लोकेशन भी बहुत ज़्यादा प्राइम हो, डेवलपर भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, अप्रूवल्स भी कंप्लीट हो LDA से एंड अदर बॉडीज जैसे कि वापडा, वासा, बाकी जो अप्रूवल्स हैं उनके वो भी कंप्लीट हो, और उसका पेमेंट प्लान भी बड़ा ईजी हो, ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान हो, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स अवेलेबल हों और पोजेशन वाले प्लॉट्स हों विद नंबर्स, सोसाइटी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है वो डिज़ाइन की जा रही हो और उसमें फ्रॉड का भी कोई चांस ना हो, फाइलों का भी कोई रोला ना हो, इंतज़ार भी ना बहुत ज़्यादा करना पड़े, डेवलपमेंट भी तकरीबन 70-80% इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी हो और उसको मोटरवे से भी एक्सेस हो, मुल्तान रोड के भी करीब हो, मेन केनाल बैंक रोड है जो नहरवली रोड है उसके भी करीब हो और रिंग रोड से भी एक्सेस हो। अब आप भी सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो इतनी सारे खूबियों का हामिल है। तो खुशी की घड़ियाँ आ चुकी हैं, आप भी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और प्रोजेक्ट का नाम है दमान सिटी लाहौर। जी तो व्यूअर्स, दमान सिटी लाहौर के सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी डेवलपर्स के बारे में, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट में जब आपने इन्वेस्ट करना होता है तो उसके डेवलपर्स की हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी होता है। दमान सिटी बेसिकली दमान डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड ग्रुप है और इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट इंटरनेशनली मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं, स्पेसिफिकली इन UK, साउथ अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट। दमान ग्रुप के जो CEO का नाम है शाहिद लुकमान साहब, और ये बहुत फेमस हैं और मार्केट में बहुत जाना माना नाम है इनका। दमान ग्रुप का लाहौर में दमान सिटी एक सबसे पहला प्रोजेक्ट है और माशाल्लाह ये अपने पहले ही प्रोजेक्ट का 70-80% तक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर चुके हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मेन गेट इनका बन चुका है, प्लॉट्स की कटिंग्स हो चुकी हुई हैं, कमर्शियल प्लॉट्स भी ऑफर कर रहे हैं और ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी ऑफर कर रहे हैं। कटिंग्स के बारे में मैं डिटेल में आपको फर्दर आगे जो है वो वीडियो में बताऊंगी। मेन बुलेवार्ड जो है वो 90 फीट का है, वो रेडी हो चुका हुआ है, पाम ट्रीज उसके अंदर जो है वो भी जो है उन्होंने बिल्ड कर दिए हुए हैं। फर्दर मोर जो है यहाँ पर सीवरेज का काम हो चुका हुआ है, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो चुका हुआ है और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है उस पर भी काम हो रहा है। अंडरग्राउंड वायरिंग के साथ साथ यहाँ पर जो है इनका अपना पावर स्टेशन होगा या पावर बैकअप के ऊपर भी काम किया जा रहा है। एक रॉयल क्लब हाउस जो है वो भी बनाया जा रहा है जहाँ पे इंडोर गेम्स और स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होंगी। ग्रैंड मस्जिद बनाई जा रही है, बहुत ब्यूटीफुल पार्क्स बनाए जा रहे हैं, मिनी गोल्फ कोर्ट भी यहाँ पे दिया जा रहा है। ये बात होगी इसकी हल्की फुल्की सी अमेनिटीज़ के बारे में, ठीक है। अब अगर मैं बात करना चाहूँ इसकी लोकेशन के बारे में, लोकेशन माशाल्लाह प्रोजेक्ट की बहुत प्राइम है, जैसे कि वीडियो के आगाज में बता चुकी हूँ कि दमान सिटी लाहौर मेन मुल्तान रोड पर ठोकर न्याज बेग से 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेट करता है और ये मराका स्टॉप है जहाँ पे ये लोकेट करता है। अब इसकी एक्सेस पॉइंट्स बताना चाह रही हूँ। बेसिकली दमान सिटी के बैक पे जो है वो मेन कनाल बैंक रोड है और बहरिया टाउन इसके एडजेसेंट है। फर्दर मोर अगर एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँ तो जो मोटरवे से का जो एक्सेस है यहाँ से वो बहुत ही करीब है, जिना टर्मिनल जो है यहाँ से बहुत करीब है, कोई सिर्फ और सिर्फ जो है वो 7-8 मिनट की ड्राइव पर है। ठोकर न्याज बेग जो है यहाँ से 10-12 मिनट की ड्राइव पर लोकेट करता है। फर्दरमोर जो रिंग रोड के हवाले से आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहती हूँ कि रिंग रोड का जो सदरन रिंग जो बेसिकली बहरिया टाउन NFC Phase 2 से होता हुआ दमान सिटी के पास से क्रॉस करेगा और सिर्फ 2 मिनट की डिस्टेंस पे जो है रिंग रोड की एक्सेस भी आपको मिल जाएगी। जब आपको रिंग रोड की एक्सेस मिल जाएगी तो एयरपोर्ट से आपका डिस्टेंस सिर्फ 20-25 मिनट का रह जाएगा, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई, डेवलपमेंट स्टेटस की बात हो गई, लोकेशन की बात हो गई, डेवलपर्स की भी हमने बात कर ली। अब मैं बताना चाहती हूँ सोसाइटी में कैटेगरीज कौन कौन सी ऑफर की जा रही हैं। सोसाइटी के अंदर हम ऑफर कर रहे हैं रेजिडेंशियल कैटेगरीज एंड कमर्शियल कैटेगरीज। अच्छा, ये सोसाइटी ना बाकी सोसाइटी से बड़ी डिफरेंट है। अब डिफरेंट कैसे है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। बेसिकली सोसाइटी जो है वो 500 स्क्वायर फीट का आपको एक वाइड गेट दे रही है और प्लस ये सोसाइटी 270 किनाल पर मुहित करती है, ठीक है। अब इस सोसाइटी में एक सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि यूजुअली तो सोसाइटी के अंदर मेन बुलेवार्ड जो सोसाइटी के अंदर की मेन बुलेवार्ड होती है उस पर कमर्शियल प्लॉट्स दे दिए जाते हैं, रेजिडेंशियल कैटेगरीज को वहाँ पे
एक्सेस नहीं दी जाती ठीक है घर बनाने के लिए, तो मेन गोले वार्ड का व्यू नहीं लिया जा सकता जो कस्टमर्स होते हैं उनके लिए, स्पेसिफिकली जो घर बनाना चाहते हैं उनके लिए। लेकिन यहाँ पे इन्होंने दमान सिटी ने क्या किया है कि उन्होंने जो कमर्शियल जो जोन बनाया है वो उन्होंने मेन मुल्तान रोड फेसिंग बनाया है। अभी तक कोई भी सोसाइटी ऐसी लॉन्च नहीं हुई जो मेन मुल्तान रोड फेसिंग पे बहुत बड़ा कमर्शियल हब बनाने जा रही है, वो दमान सिटी सबसे पहली जो सोसाइटी है वो दमान सिटी लाहौर है, जो मेन कमर्शियल मेन मुल्तान रोड के ऊपर बहुत बड़ा कमर्शियल हब बनाएगी। और आपको पता है कि इस कमर्शियल हब की आने वाले दौर में कितनी ज़्यादा वैल्यू होगी, और जब इस कमर्शियल हब की इतनी ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी जहाँ पर बड़े बड़े हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स बनेंगे, अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स बनेंगे, कमर्शियल शॉप्स होंगी, कॉर्पोरेट ऑफिसेज होंगे, ठीक है, अदर जो फूड चेन्स होंगी वो भी आएंगी, जो शूज़ के ब्रांड्स होंगे वो भी आएंगे, जो क्लोथिंग ब्रांड्स होंगे वो भी आएंगे, और भी मैनी मोर अच्छी गुड गुड एक्टिविटीज़ यहाँ पे होंगी। तो डेफिनेटली यहाँ के जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कैटेगरी है उनकी भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। अभी ये सोसाइटी आपको बहुत ही आसान इकसार पे जो कैटेगरीज ऑफर कर रही है रेजिडेंशियल सेक्टर में वो आपको देगी 3 मरला, 5 मरला, 7 मरला एंड 10 मरला। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो 3 मरला जो प्लॉट है वो तकरीबन आपको 47 लाख का मिल रहा है, जो 5 मरला प्लॉट है वो आपको तकरीबन 75 लाख में मिल रहा है, जो 10 मरले का प्लॉट है वो तकरीबन 1 करोड़ का मिल रहा है आपको, और इसी तरह सो ऑन। प्लस इसमें आप बुकिंग करा सकते हैं 25% डाउन पेमेंट से, यानी 25% कीमत देकर आप लोकेशन वाला प्लॉट विद प्लॉट नंबर चूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही आप 50% पेमेंट अगर दे देते हैं तो आप उस प्लॉट पे आपको पोजेशन यानी प्लॉट का पोजेशन आपको एलोकेट कर दिया जाता है, जिसमें आप अपना घर बनाना शुरू कर सकते हैं, यानी कि साथ साथ आप अपना घर बनाएं और साथ साथ आप प्लॉट की किस्तें दे दीजिए, है ना मज़ेदार बात। तो इस ऑफर को अवेल कीजिए, क्योंकि माशाल्लाह से अभी इसकी प्राइसिंग भी टाइम टू टाइम जो है अभी ये प्री लॉन्च प्राइसेज हैं, फिर इसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, लॉन्च प्राइस आ जाएगी, रेट्स और भी ज़्यादा रिवाइज हो जाएंगे। एक और मज़ेदार ऑफर आपको देना चाह रही हूँ, और वो ये कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे ओवरसीज़ होते हैं या आउट ऑफ सिटी रहते हैं, और वो फिजिकली आके अब 3 मरला या 5 मरला प्लॉट को बाय करके उस पर घर नहीं बना सकते क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता। तो यहाँ पे सोसाइटी अपने इन क्लाइंट्स के लिए ऑफर करी है 3 मरला के घर और 5 मरला के घर जो कि किस्तों पर मिल रहे हैं। इन घरों की बुकिंग भी आप 30% से जो है वो आप इनकी जो है बुकिंग करवा सकते हैं, इनकी प्राइस भी बड़ी रीज़नेबल सी है। मज़ीद जो आप मालूम लेना चाहते हैं प्राइसिंग के हवाले से और कैटेगरीज़ के हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या आप बुकिंग करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए सईद अहमदिया के नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको इसके बारे में फुली गाइड करूँगी। हम आपको सोसाइटी का कंप्लीट विजिट करवाएंगे, ठीक है, हमारे पास ऑफिस की फूल कार्ड्स भी अवेलेबल होते हैं, आप हमारे स्काई रेटर्स के ऑफिस में आइए, ठीक है, हमारे से चाय कॉफ़ी या लंच करें, ठीक है, और उसके बाद हम आपको सोसाइटी के विजिट पे ले जाएंगे और वहाँ जाके हम आपको पूरा ओवरव्यू देंगे, और उसके बाद आप जिस कैटेगरी में आपको आपके लिए ईजी है, जो भी आपकी नीड है, जो भी आपकी एबिलिटी है, उसके हिसाब से आपका बजट एनालिसिस करके हम आपको वहाँ पे जो भी कैटेगरी आप चूज़ करेंगे उसमें आपकी बुकिंग इनिशिएट करवा देंगे। लास्ट में बात करना चाहती हूँ सोसाइटी की वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की अमेनिटीज़ के बारे में। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अमेनिटीज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि एक तरह सिक्योरिटी, और पाकिस्तान में तो आपको पता है कि सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा जो कस्टमर्स हैं वो सिक्योरिटी के बारे में बड़े कॉन्शियस होते हैं, खासतौर पर ओवरसीज़ क्लाइंट्स होते हैं हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ क्लाइंट्स। सिक्योरिटी के हवाले से बताती चलूँ कि माशाल्लाह से यहाँ पे गेटेड कम्युनिटी होगी और इसमें जो है CCTV कैमराज इंस्टॉल्ड होंगे और सिक्योरिटी गार्ड्स की भी जो आपको पता है पूल कार्ड्स होती हैं वो भी यहाँ पे राउंड करेंगी, ठीक है, एक तो ये बात होगी। फर्दर मोर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि इसमें स्ट्रीट लाइट्स दी जाएंगी, स्ट्रीट लैंप्स होंगे, रोड लैंप्स होंगे, ठीक है, वाइड रोड्स होंगी, फुली कार्पेटेड होंगी, ठीक है, मेन बुलेवार्ड बड़ी ब्यूटीफुली डिज़ाइन की जाएगी, ग्रीन बेल्ट्स होंगी बड़ी प्यारी, ट्रीज़ होंगे यहाँ पे बड़े अच्छे ज़बरदस्त किस्म के, नेचुरल ब्यूटी को बड़ा इन्हांस किया जाएगा, ब्यूटीफुल पार्क्स होंगे, थीम पार्क्स होंगे, प्लस इस सोसाइटी के अंदर जो है वो स्कूल होंगे, मसाजिद होंगी, कॉलेजेस भी होंगे। और सोसाइटी के फर्दर मोर जो मैं इसमें प्लस पॉइंट्स बताती चलूँ तो वो ये हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत रॉयल क्लब हाउस दिया जा रहा है, कम्युनिटी क्लब दिया जा रहा है, जिसके अंदर इंडोर गेम्स होंगे जैसे टेबल टेनिस है, स्क्वाश है, ठीक है, और इसके अलावा आप टेनिस खेल सकते हैं, बैडमिंटन की फैसिलिटीज़ होंगी, ठीक है, इसके अलावा सिगार लाउंज होंगे यहाँ पर, और सुहाना स्पा, जकूज़ीज, ठीक है, स्टीम बाथ इस तरह की भी फैसिलिटीज़ होंगी, स्विमिंग पूल्स होंगे, रूफटॉप रेस्टोरेंट गार्डन्स होंगे, हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स होंगे जिसमें कि लीड क्लास की जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी, राइट, इसमें अपार्टमेंट्स भी कई प्रोजेक्ट्स भी आएंगे जिसमें स्टूडियो 1 बेड 2 बेड 3 बेड अपार्टमेंट्स होंगे, पेंट हाउसेज होंगे, तो इस तरह के बहुत सारे जो है इसमें फैसिलिटीज़ आपको दी जाएंगी। प्लस इसमें मिनी गोल्फ एरिया होगा जहाँ जो गोल्फर्स होंगे, जो गोल्फर्स हैं लाइक करते हैं गोल्फ खेलना, उनको भी फैसिलिटेट किया जाएगा यहाँ पे।
बच्चों के लिए बड़े प्यारे कम्युनिटी पार्क्स बनाए जाएंगे जिसमें उनके स्विंग्स होंगे, एक्टिविटीज़ होंगी बच्चों के लिए। जी तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? मैंने कोशिश की है कि आपके लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आऊँ जो अप्रोच वाइज भी बहुत अच्छा हो, लोकेशन वाइज भी बहुत अच्छा हो, उसका डेवलपर भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, उसके अप्रूवल्स भी कंप्लीट हो, और उसका पेमेंट प्लान भी जो है वो बड़ा फ्लेक्सिबल सा हो, और उसमें आपको पोजेशन भी दिया जाए ताकि आप उसमें साथ साथ इंस्टॉलमेंट दें, साथ साथ अपना घर तामीर कर सकें। व्यूअर्स, आपसे इजाज़त लेना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप मेरी आज की इस वीडियो को बहुत लाइक करेंगे, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में आपको मेरी सारी अपडेटेड वीडियोस ज़रूर मिल सकें। सईदा मदीहा को इजाज़त दीजिए और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी और बड़े अच्छे प्रोजेक्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।